हेलो गाइस वेलकम टू फोकस विद अस और यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में हमारे ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन वुमेन के बारे में यूनाइटेड नेशन सी टी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में देखेंगे और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी इसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में हम डीपली इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमारे एग्जाम रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी तो चलते हैं हमारे वीडियो में उससे पहले मैं बताऊँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए उसका लाइक कर दीजिए आने वाले बेल पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए तो हम देखने वाले हैं इसमें फंड एंड प्रोग्राम्स तो फंड एंड प्रोग्राम्स होते क्या है यानी यूनाइटेड नेशन के थ्रू जितने भी फंड दिए जाते हैं जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उसमें आपका यूनाइटेड नेशन वुमेन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स के बारे में यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में और यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम्स के बारे में इसमें हम ये डिस्कस करेंगे तो पहला है जैसे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ़ंड एंड प्रोग्राम्स के बारे में तो आपको पता है जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वाई द यूनाइटेड नेशन ये सब नेसेसरी होते हैं बिकॉज यूनाइटेड नेशन कई ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करती है तो उनकी मेंटेनेंस के लिए पीस बनाए रखने के लिए हंगर को मिटाने के लिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए ये कई सारे प्रोग्राम चलता है जिसमें इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल लगभग वन नाइन्टी एट मिलियन समझ गए वन नाइन्टी एट मिल मिलियन लोगों को खाना प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ थर्टी एट से एट्टी थ्री कंट्रीज़ में ये सर्वे करती है तो ये इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंड एंड इनके प्रोग्राम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो चलते हैं अपने आगे पहला है हमारा यूनाइट नेशन वोमेन तो पहला हमारा यूनाइट नेशन वोमेन वुमेन के लिए जितनी भी एम्पावरमेंट की जरूरत होती है वो इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट बनेंगे वो है पहला कि इसका इस्टेबलिशमेंट कब हुआ था तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 2010 में हुआ था और इसका हेडकोर्टर पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क यू में है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि ये जेंडर इक्वालिटी को इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन को प्रमोट करती है और इफ़ेक्टिव जेंडर मेंटेनेंस बनाए रखती है तो यूनाइटेड नेशन से दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट हैं पहला इसका हेड क्वार्टर ने न्यूयॉर्क यूएसए में है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें फोर ऑफिशियल लैंग्वेज में बोली जाती हैं और इंडिया से इसे रिलेटेड में जो है पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि 2018 में यानी 2018 में जो उड़ीसा के सी थे नवीन पटनायक इन्होंने प्रपोज़ किया कि थर्टी थ्री परसेंट वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा पार्लियामेंट में और स्टेट असम्बली में इन्ही, इसी इन्हीं इसीलिए ने इन्हें नेशन वुमेन के थोड़ा इसे सम्मानित किया गया था नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं यू एन सी टी ए डी कई बार यू एन सी टी ए डी की भी आपसे पूछी जाती है कई एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है ये तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन यू एन है कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये फॉर्म किया गया था ताकि हमारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डेवलपमेंट के जितने भी इशूज़ उठ रहे हैं ट्रेड के जितने भी इशूज़ उठ रहे हैं इनको कम से कम रिड्यूस किया जाए इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए इसके बारे में ही यहाँ पे ये यू एन ऑर्गेनाइज़ की गई थी इसका क्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीधे पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में यू एन सी टी ए डी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो याद रखी दीजिए यू एन सी टी ए डी का हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और पूछा जाता है ये किसका पार्ट है तो यूनाइटेड नेशन के भी अंदर पार्ट हैं जो हम मैंने मुख्य ऑर्गेंस यानी मेन ऑर्गेन्स बताए थे ना फाइव तो उसमें से जो मेन ऑर्गेंस है यूनाइटेड नेशन सेक्रटरीट ये उसका पार्ट है मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट तो ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेट का पार्ट है और जो यूनाइटेड नेशन के जो पार्ट यूनाइट न और सबसे इम्पॉटेंट यहाँ पे हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट मैं यहाँ पे पूरी इसकी जो फुल फॉर्म है इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बार बार सुनाई दे और बार बार अच्छे से याद हो जाए तो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ये इन ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली इसकी इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है कई बार इसमें पब्लिश होती है और कई बार ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट में सबसे नंबर वन पे है टॉप पे है थर्ड पे है तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये भी देखी जाती है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ रिपोर्ट यानी कि सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं और कौन सी डेवलप्ड हो रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन एंड इकॉनमी रिपोर्ट और नम इम्पॉर्टेंट है वो आपके यहाँ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ठीक है बाकी तो आपकी रिपोर्ट्स हैं तो तीन रिपोर्ट्स इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए नेक्स्ट पर आते हैं हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में यूनाइटेड नेशन हैबिटेट भी हमारी जनरल असेंबली का एक पार्ट है अगर इसका सीधे से पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट यूनाइटेड नेशन के किस और, मेन ऑर्गेन का पार्ट है तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन जो है हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मेन ऑर्गेनस है उसका पार्ट है या ये भी यहाँ पूछा जा सकता है जित यूनाइट नेशन जो हैबिटेट है जितनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है ये किसको देता है यानी कि किस प्रोवाइड करता है या किसके अंडर ये वर्क करता है तो ये वर्क करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू तो इसका काम क्या होता है इसका काम होता है जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके फ्यूचर को बेटर बनाना वहाँ पे डेवलपमेंट लाना और वहाँ की जितनी भी बेरोजगारी है पॉवर्टी है उसको कम करना और वहाँ के कल्चर को प्रमोट करना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट्स मिशन इज़ टू प्रमोट सोशली एंड इन्वॉर्मेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट तो वहाँ के ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है ये काम है और इसमें इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इसमें री एलेक्टेड हुआ था एज ए प्रेजिडेंट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन में और इसमें पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन हेविटेज जो होता है उसके प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए इसमें वर्क करते हैं तो वो दो सालों के लिए वर्क करते हैं इसका सीधा सा मतलब है अगर इंडिया 2017 में इलेक्टेड हुआ है एज ए प्रेसिडेंट तो उसको 2017 से 2019 तक वहाँ पे अपनी प्रेसिडेंसी देगा यानी कि उसको गाइड करेगा और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया अब तक यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का कितनी बार मेंबर रह चुका है या प्रेसिडेंट बन चुका है तो अभी तक इंडिया जो है थ्री टाइम्स कितने टाइम्स थ्री टाइम्स प्रेसिडेंट बन चुका है पहला प्रेसिडेंट बना था 1988 एट में दूसरी बार टू थाउजेंड सेवन और तीसरी बार टू थाउजेंड तो तीनों बहुत याद करना बहुत ईजी है नाइनटीन एट 2007 और 2017 ये तो बहुत इजी है 2007 थाउजेंड सेवन एंड सैवनटीन अब नाइनटी एट नाइनटीन ऐटी एट का ऐसे याद करना है जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन हैबिटेट ये बना बना ही था 1978 में तो उसके 10 साल बाद 88 में और उसके फिर 2007 में और उसके 10 साल बाद 2017 में तो बहुत इजी है और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की हेडकॉर्टर की बात की जाए तो इसका हेडकोर्टर है नरावी कन्या में कहाँ पे हेड क्वार्टर है नरावी कैन्या कन्या एक कंट्री है वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है और इसके जो हेड हैं है, मैमना मोहम्मद शरीफ हेड हैं फिर से बता देता हूँ मेमुना मोहम्मद शरीफ और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम इसके बाद दो और आएंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वामेंट प्रोग्राम पहले देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भी हमारी फ़ूड असिस्टेंट है फ़ूड असिस्टेंट ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की और अगर इसके इस्टेबलिशमेंट इस की बात की जाए तो 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहीं कहीं पे 1963 मिलेगा एंड जबकि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसका राइट आंसर नाइनटीन इसका इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा और इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए तो हेड हेडक्वाटर इसका रोम इटली में है और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली एंड एफ ए इसका इम्पॉटेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि ये डोनेशन इकट्ठा करता है यानी कि चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट हो कॉरपोरेशन हो प्राइवेट डोनर हो जो भी इनको डोनेट करना चाहता है वहाँ से डोनेशन इकट्ठा करता है और जैसे मैंने बताया था कि डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लगभग ये 83 कंट्रीज़ में यानी एवरेज में मान के चलते हैं 83 कंट्रीज़ में सर्वे करते हैं वहाँ पे भोजन यानी फूड प्रोवाइड कराते हैं जैसे आपने देखा है रिफ्यूजीज़ जो होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में ना तो उनके पास नागरिकता होती है ना वहाँ पे ये काम कर सकते हैं तो इसका सारा मेंटेनेंस उनको खाने का उनको रहने का उनकी देख रेख सारा ये वर्क करता है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम उसी के अंडर में ये सारे लोग रिफ्यूजीज रहते हैं और जो इनका इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है फूड फॉर वर्क अगर पूछा जा सकता है फ़ूड फॉर वर्क किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है तो आपको याद रखना है फ़ूड फॉर वर्क किसका है वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम यानी ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम है ये क्या करता है ये हेल्प करता है टू प्रमोट द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और इसके कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें इसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे है परचेस फॉर प्रोग्रेस पी फॉर पी आपसे कई बार शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है पी फॉर पी कई बार ये भी पूछा जाता है पी फॉर पी किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है या पायलट प्रोजेक्ट है तो पायलट प्रोजेक्ट में ये क्या करते हैं पी फॉर पी जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट करने के लिए या जॉब ऑफर करते हैं उसमें इनको प्रमोट करते हैं अपॉर्चुनिटी देते हैं एग्रीकल्चर मार्केट में ले जाते हैं और उनको जितने भी साइंटिफिक टूल्स आते हैं नए टूल्स आ रहे हैं उनसे अवेयर कराते हैं ताकि यानी जो छोटा सा छोटा किसान भी है वो प्रमोट होकर कम्पटेटिव अपने हाई लेवल लेवल तक जा सके अब आता है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसका इस्टेबलिशमेंट 1965 में हुआ था और ये भी हमारी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो मेन ऑर्गेन्स है उसके अंडर वर्क करता है 1965 में फॉर्मेट फॉर्मड हुआ था और इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है ये हेड क्वार्टर और इसका इस्टेबलिशमेंट ज़रूर याद रख रख लीजिएगा क्योंकि कई बार इसके एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं इसके मेन वर्क्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है गरीबी ख़त्म करना यानी पॉवर्टी को सबसे कम लेवल पे लाना और जितने भी ह्यूमन हैं उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ले जाना ह्यूमन के मतलब है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट इंडिया को यूएसए को पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना नेपाल भूटान जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं इनको एक डेवलपमेंट गोल देना ताकि वो अपने गोल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहें क्योंकि जब तक हमारे पास एक गोल नहीं होता है हमारा मेन टारगेट या हमारा जो प्रोग्रेस होती है वो कम रहती है और इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसको 1990 से पब्लिश किया जा रहा है ये बताता है कि कौन सी कंट्रीज़ किस लेवल पे पहुंच चुकी है आपने देखा है इंडिया की प्रोग्रेस अदर कंट्री से सबसे अच्छी बढ़ रही है उसकी रैंक अंडर टेन यानी कभी नाइन है कभी सिक्स है कभी एट है इसके साथ साथ इसकी ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिस रीजनल एंड नेशनल लोकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं जिनके इंडेक्सेस हम कई बार पढ़ते हैं वो आपके इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव के लिए तो इसलिए जितनी भी इसके एग्ज़ाम रिपोर्ट आएंगी वो हम सारी बाद में डिस्कस करेंगे कि मतलब जब भी कोई नई रिपोर्ट आएगी उसके बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे कौन पब्लिश करता है कहाँ से आई एफ एस के हेड क्वार्टर यानी सारा इंपॉर्टेंट डेटा हम देखेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट जो है इंडिया में कौन कौन से हैं तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो यू एन डी पी है हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ वर्क करती है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी एम ओ आर डी कई बार पूछा जाता है एम ओ आर डी क्या है ठीक है यू एस यू पी एस सी के एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है एम ओ आर डी के बारे में बताइए और यू एन डी पी थ्रू द गवर्नमेंट्स एक्सेलरेट लाइवलीहुड गोल्स यानी जितने भी गोल्स होते हैं चाहे वो एक रूरल एरिया के लिए हों पुअर पीपल्स के लिए हो पॉवर्टी के लिए हो उनको प्रमोट करना उनको आगे बढ़ाना यानी उनकी पॉवर्टी को कम करना और देखिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री और यू की ये क्या करते हैं रीन्यूल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं फाउंडेड करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलते हैं जो डेमोस्ट्रेट करते हैं डेवलपमेंट को मार्केट के थ्रू तो रीनल एनर्जी जो है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रूरल एरियाज़ होते हैं अभी देखा है आपने कई जगह सोलर सोलर सेल लगाए जाती हैं पूरे पूरे समुद्र में पूरे पूरे, पूरे वाटर लेवल पर पूरे पूरे सिटीज़ में पूरे पूरे, पूरे गाँव में तो ये सब जो रूरल डेवलपमेंट का काम होता है ये यू के सहयोग सा, से होता है या उसके पार्टनरशिप से होता है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ पे देखिए दिशा दिसा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है बिटवीन द इंडिया एंड द डेवलपमेंट फाउंडेशन तो ये सपोर्ट क्या करती है भाई? आई के ई फाउंडेशन ये भी एक फ़ाउंडेशन है जो एम करती है वन मिलियन अंडर प्रिवलिज वूमेन इन इंडिया लर्न मार्केटेबल स्किल्स। यानी कि इंडियन जो हैं उनके पास मार्केटबल स्किल होनी चाहिए टू कनेक्ट विथ इनकम अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपनी इनकम खुद से जनरेट कर सकें और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए आप पे अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है यू इसने 2015 में एक डेवलपमेंट एजेंडा निकाला था उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है और इसको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है इसको कई नामों से बुलाया जाता है जैसे कॉल इन प्रोवर्टी प्रोटेक्ट द प्लानट इंश्योर ये सारे इंसर करते हैं ताकि हमें पीस मिल सके और सारा का सारा इन्वामेंट सही हो सके तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपकी ये सिंबल बने हुए हैं फोटो लगे हुए हैं फिक्कर लगे हुए हैं ये सही है आपको बताते हैं जैसे पहला नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी क्लीन वाटर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर Reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below well water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. ये यही सारे जो goals हैं, 17 goals हैं, इन्हीं को कहा जाता है sustainable goals और कई बार आपसे exam में पूछा भी जाता है sustainable goals में कितने goals रखे गए हैं? तो याद रखिएगा सस्टेनेबल गोल्स में पूरे सेवनटीन गोल्स आते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनेगा अब आते हैं अपने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जैसा कि इसका नाम है ये हमारा इन्वामेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो हमारा हेड क्वार्टर है इसका नैरोबी कन्या इसका भी हेड क्वार्टर नैरोबी कन्या में है और ये वर्क करता है सेवन ब्रोड थेमेटिक एरियाज पे क्लाइमेट चेंज पर पहला है डाइजेस्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट्स सिस्टम मैनेजमेंट इन्वामेंटल गवर्नमेंट्स केमिकल एंड वेस्टेज पे रिसोर्स इफ़ेंसी एंड एनवायरमेंट अंडर व्यू तो कई बार आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में यू के एग्ज़ाम में यू पी के एग्ज़ाम में स्टेट लेवल एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है ठीक है ये एस एस के एग्ज़ाम में तो इतना डीपली नहीं पूछता है लेकिन हाँ यू या यू पी या स्टेट एग्जाम में जितने भी होते हैं उनमें आपसे भी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वयमेंट जो प्रोग्राम है वो तो किसके अंडर आता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंडर में और ये भी पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन में सेवन बोर्ड्स कौन कौन से हैं या कितने बोर्ड्स हैं सेवन है ठीक है तो क्लाइमेट चेंज डाइजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्टो सिस्टम मैनेजमेंट एन्वायरमेंटल गवर्नमेंट्स केमिकल एंड वेस्टेज रिसोर्स एफिशंसी एनवायरमेंट अंडर रिव्यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे ये पॉइंट्स हैं और अभी आपको पता होगा यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक पुरस्कृत किया गया था चैम्पियंस ऑफ अर्थ के प्रोग्राम से तो चैम्पियन ऑफ अर्थ का जो उनको पुरस्कार दिया गया वो पुरस्कार भी यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू ही दिया गया था तो देखते हैं आगे तो देखिए इसका जो वर्क होता है वो नाइन्टी फाइव परसेंट हमारी जो इनकम है उसको सही से मैनेज किया जाए और वर्क किया जाए और जैसा मैंने बताया एनवायरमेंट के काम में इंडिया नंबर वन पे था तो इसीलिए इनको चैम्पियंस ऑफ अर्थ किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैम्पियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड भी दिया गया था किसके लिए री सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया ने सोचा है 2022 तक कितना पूरी तरह से एलिमिनेट करना यानी कि गायब करना ख़त्म करना यानी जितने भी काम है सिंगल यूज प्लास्टिक को उसको कम से कम लाना और बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर देना और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट हमारे इस वीडियो का है रिपोर्ट्स यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायमेंट प्रोग्राम कौन कौन सी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है रिपोर्ट यानी इंडेक्सेस पब्लिश करता है पहली है ग्लोबल इन्वामेंट आउटलुक रिपोर्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है फिर है एमिशन गैप रिपोर्ट तीसरी एक्शन ऑन एयर क्वालिटी एंड राइज इन्वायरमेंट क्राइम रिपोर्ट एलॉन्ग विद इंटरपोल ये इंटरपोल के थ्रू की जाती है तो जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने इसमें बता दिया है अब जल्दी से रिवीजन की बात की जाए तो फंड एंड प्रोग्राम्स में देखते हैं हम यूनाइटेड नेशन वुमेन हेड क्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क यू एस ए में है ऑफिशियल लैंग्वेज चार है ठीक है और इसका इस्टेब्लिशमेंट टू थाउजेंड टेन में हुआ था इस यहाँ से तीन क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन इंडिया से निकलेगा कि इंडिया के आ, किस किस राज्य के सी एम को या उनका नाम पूछा जा सकता है तो याद रखिए कि उड़ीसा के सी एम थे नवीन पटनायक इनको क्या गया था प्रपोज़ किया गया था या सीधे से कह सकते हैं इनको सम्मानित किया गया था नेक्स्ट आते हैं यू एन सी टी ए डी तो इसका हेड क्वार्टर जिनावा स्विट्जरलैंड में है ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेट्रेट का यहाँ से रिपोर्ट्स जो हैं इंडेक्सेस हैं वो है पहली आपकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट यूनाइट नेशन हैबिटेट में देखा जाए तो इसका इस्टेबलिशमेंट नाइनटीन में हुआ था इंडिया इसका तीन बार प्रेजिडेंट मबर रह चुका है नाइनटीन एटी में टू और टू तो थाउजेंड में और इसकी ख़त्म हो गया था प्रेजिडेंटी टू थाउजेंड में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखा जाए तो हेड क्वार्टर इसका रोम इटली में है 1963 में इसका इस्टेबलिशमेंट और माना जाता है 1961 कोई एक आएगा आपको उसी पे टिक करना है इसका प्रोग्राम जो है फूड फॉर वर्क और इसका पायलट प्रोजेक्ट पी फॉर पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क यू एस ए में यू एन डी पी नाइनटीन सिक्सटी फाइव में हुआ था इसकी जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट किस किस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम पार्टनरशिप किस किस साथ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसकी जो इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है वो दिशा दिशा नामे एक प्रोग्राम है ठीक है उसके साथ पार्टनरशिप है यू की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स हैं सेवेंटीन गोल्स हैं ठीक है तो इसको किस किस नाम से जाता है टू इन पॉवर्टी प्रोजेक्ट एंड प्लेनेट ठीक है इन सभी इन सभी नामों से इसको बुलाया जाता है फिर जल्दी से आते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन इन्वायमेंट प्रोग्राम पे तो यूनाइटेड नेशन नेवायरमेंट प्रोग्राम हेड हैडकोर्टर नेहरवी कैनिया में है सेवन बोर्ड थेमेटिक एरियाज हैं कितने हैं सेवन ये पढ़ लीजिएगा फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक इमिशन गैप रिपोर्ट एक्शन ऑन एयर क्वालिटी एंड राइज ऑफ़ इन्वामेंट क्राइम रिपोर्ट तो ये हमारी सारी रिपोर्ट थी यह हमारा आज का वीडियो था तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स के पास ताकि सभी के पास ये इन्फॉमेसन पहुँच जाए आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा लाइक करके शेयर कीजिएगा थैंक यू गायस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में